अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू जायका विद खुशी। आज की हमारी रेसिपी है ब्रेड पिज़्ज़ा। ये किड्स फेवरेट रेसिपी है और बहुत ही झटपट और इजीली बन जाती है, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और साथ ही बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। पिज़्ज़ा बनाने के लिए सबसे पहले हम ब्रेड स्लाइस लेंगे और मोज़रेला चीज़ लेंगे, इसे हमने ग्रेटर से ग्रेट कर लिया है। और साथ ही कुछ वेजिटेबल्स लेंगे, जो इस तरह से यहाँ पर हमने कैप्सिकम, टमाटोज, कॉर्न और अनियन लिए, इनको फाइनली चॉप कर लिया। ये सारी वेजिटेबल्स हम 1 कप ले रहे हैं और साथ ही 2 टेबल स्पून पिज़्ज़ा सॉस लेंगे और 2 टेबल स्पून यहाँ पर हम बटर ले रहे हैं और 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर लेंगे और 1/2 टीस्पून हम यहाँ पे सॉल्ट ले रहे हैं और साथ ही 1/2 टीस्पून हम चिली फ्लेक्स लेंगे। सबसे पहले एक बाउल में सारी वेजिटेबल्स मिक्स करेंगे, इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और अब हम इसमें मोज़रेला चीज़ ऐड करेंगे। यहाँ पर हम आधा ले रहे हैं और आधा रोक लेंगे बाद के लिए। इन्हें अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे, सॉल्ट आप अपने टेस्ट अकॉर्डिंग भी ऐड कर सकते हैं और साथ ही पेपर लेंगे और चिली फ्लेक्स। इन सब को ऐड करने के बाद अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये अच्छी तरह से मिक्स हो गई है, अब हम इसको ब्रेड स्लाइस पर लगाएंगे। सबसे पहले हम इस पे हल्का सा बटर लगाएंगे। बटर को अच्छी तरह से इवनली स्प्रेड करेंगे और अब हम इसके ऊपर पिज़्ज़ा सॉस लगाएंगे। ये पिज़्ज़ा सॉस हमारा होममेड है, इसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप वहाँ से देख सकते हैं। इसको अच्छी तरह से स्प्रेड करेंगे और अब हम इसके ऊपर सब्जियाँ लगाएंगे। आप अपनी कोई भी फेवरेट सब्जी ले सकते हैं और अब हम इसके ऊपर चीज लगाएंगे। चीज को अच्छी तरह से चारों तरफ लगा देंगे और ये हमारा पिज्जा बनके रेडी है। अब हम इसे सेक लेंगे। इसी तरह से हम बाकी के पिज्जे भी तैयार कर लेंगे। ये पिज्जा बहुत ही इंस्टेंट वे में बन जाता है और साथ ही किड्स फेवरेट है, आप इसे लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। तो इस तरह से ये पिज्जा बनके रेडी हो चुका है, अब हम इसे भी सेक लेते हैं। अब हम तवे को प्री हीट करेंगे और इसके ऊपर बटर ग्रीस करेंगे। जैसे ही बटर मेल्ट हो जाएगा हम इसके ऊपर पिज्जा रखेंगे और इसे सेक लेंगे। इसे ढककर 2 मिनट के लिए सेकेंगे। 2 मिनट में जैसे ही चीज मेल्ट होगा तो ये हमारे पिज्जा बनके रेडी हो जाएंगे। इन्हें सेकने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है, सिर्फ इतना टाइम लगता है जितनी देर में चीज मेल्ट होता है। तो ये हमारे इंस्टेंट ब्रेड पिज्जा बनके रेडी हैं। अब आप भी इन्हें इस तरह से बनाइए और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। खुश रहिए। अल्लाह हाफिज। थैंक यू।